हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। स्वागत है आप सभी का हमारे नए ब्लॉग, नए दिन नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है खूबसूरत देवभूमि उत्तराखंड की खूबसूरत हसीन वादियों से। और उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग सकुशल होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो देखते हैं आज की वीडियो में क्या क्या होता है, बने रहे पूजा पहाड़ी ब्लॉग से और साथ में आनंद लेते रहेगा। अभी सुबह का मौसम है, हल्की हल्की धूप आने लगी है हमारे गाँव की तरफ। तो आप दीपावली के 4-5 दिन ही रह गए हैं और आजकल दीपावली का जोरों शोरों से काम चला हुआ है, कपड़े धोने बाकी हैं और पेंट करना है। तो देखते हैं वीडियो में क्या क्या होता है, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम। दोस्तों सुबह के बजे हैं 8 और मैं माता जी के लिए खेतों में लेके आ गई हूँ खाना, सुबह का नाश्ता। यानी कि दगड़े जब भी मैं अपने खेतों पर आती हूँ तो मुझे ये वाला व्यू काफ़ी सुंदर लगता है। तो यहाँ से गुफा जैसी है, इसको पार करने में जो मज़ा आता है वो किसी में नहीं आता। माता जी फिर से आ गई हैं सुबह का काम करके। कितना काम करती हो आप, थकते नहीं क्या आप? क्यों नहीं थकती है यार, कमर ऐसी हो गई है, आप क्या करें, सीधे खड़ा ही नहीं हो पा रहा है। जब छोटी थी तो मेरी माँ ने तो बहुत ही अच्छे से मालिश किया था, एकदम स्ट्रांग थी। आप तो अब हो गई है स्ट्रांग, बोलते हैं स्ट्रांग जो भी कहते हैं, अब हो गई है कमर टोर। आप क्या होगा इसका इलाज? लगता है इस बार माता जी के वहाँ राजमा बहुत ज्यादा हो रही है। ये राजमा हाजमा छोड़ो यार, तुम ये मेरी कमर की बात करो, ये कमर ठीक कैसे होगी? सीधे खड़े हो एक बार। अरे नहीं होया जा रहा है ये, बेचा नहीं होया जा रहा है, कैसे होगा ये? अब तुमको तुमको काम की पड़ी है, ये मेरे शरीर के बारे में सोचो। दगड़ियो यही हाल है पहाड़ में, पहाड़ में आना मगर काश्तकारी मत करना, काश्तकारी करोगे तो ऐसी कमर टोर हो जाएगी, हाथ काले पड़ जाएंगे, मुंह काला पड़ जाएगा। और बाहर ज़मीन ले लेना प्रदेश में और वहाँ काश्तकारी करना, यहाँ पहाड़ में एक कमरा बताना केवल, अंदर बैठे रहना, नहीं तो कमर ऐसी हो जाएगी। दगड़ियों आप सुबह का नाश्ता करते हैं इतने बढ़िया देवभूमि उत्तराखंड के खेतों में, तो ये लेके आई हूँ मैं इतनी सारी मड़ुए की रोटी और साथ में आलू और करेले की सब्जी लेके आई हूँ। रोटी कुछ ज़्यादा होगी शायद, खा लेंगे आप इतनी? कितनी है ये हैं आपकी? दुक्का तीना चारा पाँच छिया सात आठ, क्या कम हो जाएंगे यारे? कम हो जाएंगी, ये टोर कमर वाली के लिए तो ये कुछ है ही नहीं है। दगड़ियो साग की अनबॉक्सिंग करते हैं, तो साग है आलू और करेले की। वाह, लहसुन की इतनी अच्छी खुशबू आई है, जी कर रहा है, भूख तो नहीं है इसका, इसके जो खुशबू है इसी इसी पेट भर जा रहा है, बुढ़ापा में कहाँ भूख लगता है। अब पूजा पहाड़ी को भूख लगा है तो खाओगे, हाँ अच्छी तरह खाओगे। और इतनी सारी रोटियाँ बना के लेके आई हूँ मैं तो रोटी में रखूंगी। दगड़ियों ताऊ जी ने इतना सारा मकान, इतना बड़ा मकान लगा दिया है और यहाँ पर एक मकान और लगा रहे हैं और अपने हाथ से मिस्त्री का काम कर रहे हैं। कब से आपने मिस्त्री का काम सीख लिया है? ये थोड़े समय हो रहा है। और दिन का खाना खा लिया? अभी नहीं खा रहा है। अच्छा, और ताई जी कहाँ है हमारी? वो खाना बना दी है। हाँ, हम तो मतलब सुबह से चले हैं। अरे यशो हूँ को आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत से ज्यादा बोले तो रहा हम ना, मला, मला कार्यवार में। हाँ बस, ये मकान किसके लिए बना रहे हो अब? ये बच्चों के लिए बना रहा हूँ। अच्छा, इसमें रसोई बनेगी शायद ना? ये वो बनने लैट्रिन बाथरूम बनने है। अच्छा, जल्दी आओ, बंदर भगाओ, कहाँ पे है बंदर? जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, कहाँ भी है? यहाँ मत जहाँ, बढ़िया है। अच्छा। तुम कैसे हो? अच्छे हैं।
गाइस दादा अभी अभी लेके आ गए हैं कद्दू। ओ दादा जी। कद्दू तोड़ी लाके क्या? हाँ दादा दादा मर गए थी नया मैं नहीं रहा दादा दादा कद्दू तो दिखा। ये गाइस दादा भाई कद्दू लेके आ गया, इतनी छोटी सी कद्दू। दोस्तों दिन के बजे हैं 4:44 हो गए हैं और अभी मैं खेतों में लेके जा रही हूँ मम्मी के लिए दिन का खाना, क्योंकि आज यहाँ पर बहुत सारे बंदर आए थे तो जिसकी वजह से माताजी घर पे खाना खाने नहीं आई और दादा भाई ने भी अभी खाना खाया नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत सुबह से दिन में तक मौसम थोड़ा बहुत ख़राब हुआ था। तो हम नीचे जहाँ पर हम डेली घास काटते थे तो वहाँ पर दादा भाई 3 गट्ठी घास लेके आ गए हैं, अभी ठीक मेरे पीछे से आ रही है, अब आपको मिलाते हैं दादा भाई से। गाइज ये रही दादा भाई जो कि सुबह से भूखे प्यासे है, किसकी वजह से? क्योंकि बंदर आ गए थे और थोड़ा बहुत मौसम खराब हो गया था। ये है हमारी आज की धावक मिस दादा ठाकुर, जिन्होंने दिन का खाना खाई नहीं है। क्या बात दादा भाई, क्या हुआ? अरे मौसम खराब हो रहा था ना, मम्मी बोल रही थी घास बारिश का हुआ, जिसकी वजह से दादा भाई की आवाज़ भी थोड़ा बहुत धीमी धीमी हो रही है। तो फटक से आप जाओ, कितनी गट्ठी साड़ दिया आपने? ये तीसरी वाली है। अच्छा इजा काम करने भाई यार दादा ठाकुर। अभी माता जी खाना खाने लग गए हैं, दिन का बहुत टाइम हो गया होगा, सुबह से भूखी प्यासी हैं हमारी माता जी। शिवोल है भात तो कितना ला गया तुम? कितने ला गए तुम? बहुत ही है ये भात तो। तो थोड़ा बहुत मैं खा लूंगी, कोई टेंशन नहीं। तो गाइज आज गर्मा गर्म भात और राजमा की दाल बनी है, साथ में हरी मिर्ची भी लेके आई हूँ मैं। दगड़ियों खाना खा लिया है और माता जी का यहाँ पे मोटवे का जो पराल है वो काटने का काम स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों अभी हम भी काटते हैं गाजियो यानी कि मडवे का पराल। ये रहा आज का औजार हमारा। तो माता जी ने 1-2 पुए बना दिए हैं, तो वैसे मुझे उज्ज जैसी तो नहीं आई है क्योंकि अभी दोबारा मैंने भात सतोर दिया है। थोड़ा पेट भी बोला है कि पूजा पहाड़ी थोड़ा रेस्ट कर ले, 2-3 घंटे रेस्ट करने के लिए बोला पेट पर, 2-3 घंटे के बाद रात हो जाएगी। पेट को ऐसे ही इग्नोर करते हुए हम गाजियों काटते हैं यानी कि पराल काटते हैं, तो इसी से काटना है। हम पहाड़ी नारियों को कुछ आता नहीं है, बस घास काटना आता है। माता जी देख सकते हैं दगड़ियों दूसरे वाले खेत की बारी हमने कर ली है, अब हमने ये हम तीसरे वाले खेत पर आ गए हैं। तो अभी हमने इतना सारा मडवे का पराल और काटना है। तो हमारा औजार ये रहा, ये देख सकते हैं इससे हम घास काटते हैं अब। तो बने रहे पूजा पहाड़ी ब्लॉक्स में, तो हमने उधर साइड से घास काटना है। बताओ आप क्या आज एक हादसा ऐसे क्या हो गया? अरे मैं घास काटने आ रही थी, ठीक है, मैंने देखा क्या कहते यहाँ पर गोरू था, हमारी गाय थी, डम था पेट, मिर्ची सारी लाल तोड़ रखी थी, फिर मैं से ऊपर लेके आई, ठीक है, अब ऊपर चढ़ाई नहीं नीचे यहाँ परसों के वहाँ पर गिर गया। परसों से मैंने उधर को जाने की कोशिश की, उसे वो इधर को आ गया, मैंने फिर तुम दोनों को बचकाया वहाँ से, अब वहाँ से वो आया ही नहीं, फिर मेरे आने तक यहाँ नीचे भगवान जैसे बैठे हुए। गाइस गौरी यहाँ पर पड़ गई, अब बताओ भाई साहब। ये है इसका छानी और छानी से पता नहीं इधर साइड गया और इतना इसका परसों का ढेर है। दादा भाई बता रहे थे यहाँ से ये नीचे गिर गया, अभी यहाँ पर बैठा हुआ है। अब यहाँ से नीचे को कब गिरता है पता नहीं। ये ईशा जी गिरेगा नहीं कि खार खेल खनीन कहीं बदम बदम तिर रस्सी तोड़ ही रहते। मैंने तोड़ा रस्सी। हेलो भाई साहब बताइए आप यहाँ से कहाँ से कैसे आए? गौरी मैं क्या कर रही हूँ मुझे जन के। गाइज अब यहाँ पे दादा भाई मडवे की रोटी बनाना स्टार्ट कर दी है, तो फर्स्ट रोटी इसने बेल दी है। तो ये आज की कुक वोमेन बनी है रात की, वैसे डेली दादा भाई ये बनाती है शाम का खाना। तो ये रोटी सीधे डाल दी हमने तवे में, रोटी भी थोड़ा बहुत मोटी मोटी बना रही है, वैसे मडवे की रोटी मोटी अच्छी होती है। और आटा देख सकते हैं भाई साहब इतना आटा गूंथ रखा है, वाह। दादा भाई ये आटा कम नहीं पड़ेगा? आई डोंट नो दागड़ियो इंग्लिश हका का इंग्लिश है ऑन क्या इन्हें ABCD सुना थे नैन ABC A to Z यो शॉर्ट फॉर्म। ओहो माता जी
अभी भी आपका राजमा का काम फिनिश नहीं हुआ क्या? राधे राधे। जय श्री राम। ठीक हो? हम ठीक हैं, आप बताओ। हम बढ़िया हैं। हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो ऐसा बोल रहे थे कि तुम्हारी माताजी ने 300 रुपए किलो राजमा बहुत महंगी लगा दी। राजमा देखो एकदम कितनी अच्छी लग, दाने दाने में स्वाद गाइस। देखो कितनी अच्छी, बिल्कुल साफ एकदम। अरे हम ऐसा नहीं, हमारे जो YouTube फैमिली वाले हैं और जो तुम्हारे सब्सक्राइब हैं वो कृपया करके यहाँ आ जाए, हम दाल खिलाएंगे भी और साथ में पोटली में भी बांधेंगे। पहले आप आ तो जाइए, पहले तुम आप आ जाइए और राजमा की दाल और चावल भी खिलाएंगे और पोटली में भी रखेंगे, हमारे यहाँ जितनी भी होगी देंगे, ऐसी बात नहीं है। तलमल कोठा पांजन हिलिया दगड़ियो जतुल सब्सक्राइब था यह हजमजार चलिए की सा, बिल्कुल स्वागत है तुम्हार। आजवा यह राजमा की कने दाव और बासमा चांगो नलग होला और यह हमार मोदी जी जताल से छिड़ मिड़ चंगवा यो जिंदाबाद से और तुम्हें बिल्कुल इंतजाम करूल। अब गई जिस दिन से बच्चिदा गए तो यहाँ पर दादा भाई मतलब तानसिंह खा के इसने देख सकते हैं अपने दांत कितने लाल बना रखे हैं। ये क्या बात, बच्चिदा की याद में भाई सब तो रोते हैं। दादा भाई ने तानसिंह खा के अपने दांत और अपने होंठ बहुत ही लाल बना रखे हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे दादा भाई ने कितनी रोटियां पका दी है। तो दादा भाई ने बहुत ही बढ़िया और प्यारी और मोटी मोटी रोटी बना रखी है। तो देख सकते हैं अभी भी इसमें भाप आ रहा है, एक रोटी बना दी और दूसरी रोटी भी बहुत ही बढ़िया बना रखी है। तो तीन रोटी बना दी है, चौथी रोटी यहाँ पर बेलने में है। वैसे काम तो बहुत करती है हमारी दादा भाई, ऐसा नहीं है कि बस एक बात है, नाक में गुस्सा रहता है उसके। अभी भी उसकी नाक देख सकते हैं एकदम लाल हो रखी है, बोलती कम है गुस्सा ज़्यादा करती है। ये है दादा भाई की खासियत, मारती कम घसीटती ज़्यादा है गाइज़।